क्या महादेव शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर बसते हैं? नहीं, पौराणिक कहानियों में महादेव का एक और निवास बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों पर, समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वैदिक काल में उस जगह को मणि महेश कहा गया। मणि महेश, जहां महादेव मणि के रूप में विराजमान है। इंटरनेट यूट्यूब पर जाएंगे तो उस मणि की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी, पहली नजर में धोखा हो जाएगा कि ये चकाचौंध सूरज की रोशनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सूरज उस मणि से ठीक विपरीत दिखाई देता है, यानी उस पर्वत पर एक ही वक्त में दो रोशनियां दिखती हैं, पहली सूर्य की और दूसरी महादेव के मणि रूप की। कैलाश पर्वत की तरह मणि महेश पर्वत की चोटी पर भी आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक कोशिश आज हम भी करेंगे। उन दुर्गम रास्तों पर चलेंगे, ऑक्सीजन की कमी से लड़ेंगे, बर्फीले तूफान से भिड़ेंगे और बेहद करीब से देखेंगे उस अद्भुत पर्वत की चोटी पर दिखते महादेव के उस मणि रूप को। एक ऐसा सफर, कुछ ऐसी तस्वीरें, महादेव का एक ऐसा रहस्य जिसे देखते ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। आधी हकीकत आधा फसाना, तो क्या धरती पर कोई दूसरा कैलाश पर्वत भी है? पौराणिक कहानियों की माने तो हां, माना जाता है कि साल के 6 महीने महादेव किसी दूसरे पर्वत पर निवास करते हैं। वो पर्वत है हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में, जिसे मणि पर्वत कहते हैं, आम भाषा में मणि महेश भी, जिसका जिक्र शिव पुराण में भी हुआ है। मणि पर्वत इसलिए क्योंकि वहां सुबह के पहले पहर में नीले रंग की एक रोशनी दिखाई देती है। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि वो रोशनी सूरज की है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहते हैं वो रोशनी एक मणि से निकलती है और मणि उस वासुकी नाग की है जो महादेव के गले में लिपटा रहता है। उस मणि की चमक इतनी तेज होती है कि कुछ सेकंड से ज्यादा उसे देख पाना भी मुश्किल होता है। तो हमारा आज का सफर उसी मणि पर्वत की तरफ होगा, ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। इसलिए तैयार हो जाइए कुछ ऐसी तस्वीरों के लिए, एक ऐसे रहस्य के लिए जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। माउंट एवरेस्ट के सामने मणि महेश पर्वत की ऊंचाई कुछ नहीं है, लेकिन एवरेस्ट को इंसान कई बार अपने कदमों से नाप चुका है, लेकिन मणि महेश पर्वत की चोटी को आज तक कोई नहीं लांग पाया। कहते हैं कैलाश के बाद मणि महेश पर्वत भगवान शिव का दूसरा निवास है, जिसकी साक्ष्य है ये रहस्यमयी चमक जो पर्वत के एकदम बीच से प्रकट होती है। इंटरनेट पर इससे जुड़ी तस्वीरों की भरमार है, जिनके दम पर चमत्कार का दावा किया जाता है। कहते हैं ये चमक कुछ और नहीं, शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि है। कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बर्फीली चोटियों की भूल भुलैया में गुम होकर रह गए। रहस्यमयी चमक का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। हमने भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़े कई सारे किस्से और कहानियां सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हों। हिमाचल में हर साल ऐसी एक यात्रा होती है जिस यात्रा को पूरा करने वाले लोगों को मणि के रूप में भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को मणि महेश यात्रा कहा जाता है।
नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह रावत और आज हम आपको ले चलेंगे इसी मणि महेश यात्रा पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणि के रूप में भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी इस कहानी के पीछे की क्या है हकीकत या फिर सिर्फ ये है एक फसाना। कोई कहता है वो चमक सूरज की रोशनी है, लेकिन सूरज तो चोटी के दूसरी तरफ से निकलता है और जो तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं वो पूरा सच है या आधी हकीकत, ये जानने के लिए हमारी टीम मणि महेश पर्वत की तरफ बढ़ती जा रही थी। हमने यात्रा की शुरुआत वहीं से की जहां से सभी करते हैं, यानी भरमौर के 84 मंदिर से। भरमौर के इस धाम में भगवान शिव के साथ ब्रह्माणी देवी की भी आराधना होती है। यहां पूजा किए बगैर मणि महेश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा क्यों है, इसके लिए एक पौराणिक कहानी का हवाला दिया जाता है। एक दफा यह हुआ कि पहले इसका नाम ब्रह्मपुर था, तो ब्रह्मपुर होने के बाद यहाँ पे एक दफा साधु संत लोग मणि महेश कैलाश यात्रा करने जा रहे थे, तो उनको यहाँ पे अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के पश्चात वो 84 में कोई भी पुरुष यहाँ पे नहीं ठहरता था, तो उन्होंने भगवान शंकर जी से, माता जी से पूछा। माता जी ने उनको इनकार किया, उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की और भगवान शंकर जी ने उनको अनुमति दे दी। माता जी से कहा कि ये सुबह यहाँ से चले जाएंगे, आज के रात ठहरेंगे, सुबह तो चले जाएंगे। जब जहाँ जहाँ वो बैठे थे 84, जब माता 4 बजे सुबह बाहर निकली तो जहाँ जहाँ बैठे उन जो बैठे थे उन्होंने धुनी लगाई थी और लिंग रूप में उनकी स्थापना हो गई। जो आप तमाम जो लिंग देख रहे हैं यहाँ एक नहीं बल्कि इसी तरीके के करीबन 84 लिंग हैं और ये कहा जाता है कि ये सभी वो 84 साधु हैं जो कि उस वक्त यहाँ पहुँचे थे मणि महेश की यात्रा पर जाने के लिए, लेकिन जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए और इस तरीके से लिंगों में परिवर्तित हो गए। हर लिंग का अपना अपना नाम है और उसके बाद माता जी गुस्से में आ गई और माता जी 84 छोड़ के ऊपर ब्रह्माणी माता, जो उसको हम अपनी भाषा में डुग्यासार कहते हैं, वहाँ चली गई। मान्यता के मुताबिक ब्रह्माणी देवी नाराज होकर 84 मंदिर से इस जगह पर आ गई जो मणि महेश यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहले लोग इस तालाब में डुबकी लगाते हैं, फिर माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद ऊपर चढ़ाई के लिए रवाना होते हैं। दरबार के इस कुंड का चमत्कार भी कुछ कम नहीं है। माता का मंदिर ठीक सामने आपको नजर आएगा जहां पर लंबी कतार लगी है माता के दर्शन के लिए। सभी लोग मणि महेश की यात्रा पर निकले हैं इसलिए पहले यहां दर्शन करने पहुंचे हैं, लेकिन इसी मंदिर के ठीक नीचे आप अगर आप देखें, मैं आप तस्वीरें में आपको दिखाएं, तो एक छोटा सा तालाब आपको नजर आएगा, सरोवर नजर आएगा और इस तालाब का जो पानी है वो बेहद ठंडा है। ये देखिए, अगर पैर इसमें डालें तो पानी जो है वो बहुत ठंडा है, बर्फीला पानी है और इस पानी में आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप यहाँ आएँ तो आपको इसमें स्नान करना बेहद ज़रूरी है, इस पानी को छूना बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इस पानी को लेकर आप यहां से आगे बढ़ें और इसी को लेकर मणि महेश तक पहुंचे, तो ये मान्यता है इस पूरे सरोवर की। इस सरोवर में पानी कहां से आता है ये कोई नहीं जानता, बस मंदिर के नीचे से पानी बहता रहता है। आज इसका पानी कई गांवों की प्यास बुझाने के काम में आता है। जो ये पानी है यही नीचे पूरे भरमौर और लगभग 19 गांव को यहीं से पानी की जो पूरी सप्लाई है वो हो रही है। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तो कुछ इसकी जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं, ये हमारे माता के चरणों से निकला हुआ पानी है। मंदिर के ठीक नीचे से निकल रहा है। मंदिर के ठीक नीचे से 7 धाराएं बोलते हैं, 7 धाराएं जो मंदिर के नीचे से निकलती है, बाकी मेन सोर्स यहाँ से निकला हुआ पानी है। ये यहाँ से हड़सर तक हमें गाड़ी से जाना होगा, जहाँ से करीब 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर शुरू होगा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद उस मणि महेश पर्वत के दर्शन होते हैं जहां महादेव की मणि की चमक दिखाई देने का दावा होता है। हटसर वही जगह है जहां से पैदल यात्रा जो है मणि महेश की वो शुरू होती है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो यहीं तक पहुंच पाती, इससे आगे सड़क नहीं है और यहां से करीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी हमें पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि यहां से ऊपर जाने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है और ये रास्ता बेहद कठिन भी है, क्योंकि जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड मिलेगा, पत्थरों के गिरने का डर होगा,
आपको झरने मिलेंगे क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और साथ ही साथ आपको मौसम भी बदलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए ये छाता हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें ये कहा गया है कि मौसम कभी भी बदल सकता है, तेज़ बारिश होती है और ऐसे में छाता साथ में होना बेहद ज़रूरी है। हमें हड़सर से शिव का घराट, वहां से भैरव घाटी, फिर गौरी कुंड, इसके बाद मणिमहेश पर्वत तक जाना था। शुरुआत में चढ़ाई आराम से होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती जाती है वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जाते हैं। खतरा बढ़ता जाता है, ऊपर से कभी भी आफत की बारिश हो सकती है। इस बोर्ड का साफ और सीधा मतलब ये है कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़े चट्टाने जो हैं वो गिरती रहती हैं। अगर आप तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप ठीक सामने देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रास्ते में गिरे पड़े हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब बारिश होती है, बारिश इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती है और अचानक मौसम बदल जाता है। इस वक्त भी अगर आप ऊपर तस्वीरें देखें तो बादल काफ़ी घने नज़र आएंगे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में ये कहा जाता है कि जब भी आप इस रास्ते पर चलें तो ध्यान से चलें क्योंकि पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें कभी भी टूट कर नीचे गिराती हैं, जैसे कि पत्थर आपको पूरे रास्ते पर नज़र आएंगे। लेकिन इन खतरों और परेशानियों पर उस मणि का रहस्य भारी पड़ता है जिसकी चमक आज पहली बार टीवी कैमरे में कैद होने वाली थी। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया जिस पर ढेर सारे रक्षा सूत्र बंधे हुए थे। हड़सर से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जिस जगह हम पहुंचे हैं उसे दो नाली पुल कहा जाता है। ये पुल कच्चा है और इस पुल पर चलना बेहद खतरनाक है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और इस पुल पर कई सारे हादसे भी हो चुके हैं क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ आता है और बहाव कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा पुल जो है वो बह जाता है और इसकी वजह से कई बार कई दुर्घटनाएँ भी यहाँ हो चुकी है, जिसके बाद इस जगह पर इसको पूजा स्थान बना दिया गया है। ये आपको तमाम जो धागे नज़र आ रहे हैं दरअसल ये रक्षा सूत्र है और ये माना जाता है कि जो भी यात्री यहाँ पहुँचता है वो इस पुल पर इसको क्रॉस करने से पहले एक रक्षा सूत्र ज़रूर बांधता है ताकि उसकी ये यात्रा अच्छे से पूरी हो सके, इस बीच कोई भी दुर्घटना ना हो। इतने खतरे उठाने के बाद भी मणिमहेश पर्वत की वो अलौकिक चमक दिखाई देगी ये पक्का नहीं होता। कभी कभी बादल उसकी किरणों को रोक लेते हैं, लेकिन चमत्कार की आस में कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया, पत्थरों पर कान लगाकर लोग कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह को शिव का घराट कहते हैं। मान्यता है कि जब मणिमहेश पर भगवान शिव का वास था तब देवी पार्वती इस जगह पर चक्की चलाकर गेहूं पीसती थी। कहते हैं पत्थरों के अंदर से चक्की चलने की आवाज आज भी सुनाई देती है। क्या अभी भी आवाज आती है? अभी भी आवाज आता है, चक्की की आवाज अभी भी आता है और उसी को सुनते हैं, उस आवाज को। ये आवाज चक्की की ही है या पानी आ रहा पीछे? ये पानी तो अंदर है, गुप्त गंगा बोलते हैं वही पानी से, जो पान घराट बोलते हैं ना, तो पानी से चलने वाला चक्की है ये। हमने भी उस आवाज को सुनने की कोशिश की। बहुत हल्की कोई आवाज तो आ रही थी, शायद कोई झरना था। इस आवाज को रिकॉर्ड करना मुश्किल था, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो भी इस यात्रा में आता है यहाँ पर गेहूँ चढ़ाता है, ये देखिए इसी तरीके से गेहूँ चढ़ाकर जो है यहाँ पर माँ पार्वती की जो है पूजा की जाती है। और यही कॉन्सेप्ट है कि इसी गेहूँ को पीसने के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी चक्की हुआ करती थी और उसी चक्की के आटा जो है वो तीनों लोग के देवताओं को पहुँचाया जाता है। शिव के घराट से आगे बढ़ते ही मौसम बिगड़ने लगा, धुंध छाने से चढ़ाई में दिक्कत आती,
लेकिन महादेव की चमकती मणि को देखने के लिए लोग बढ़ते जा रहे थे। ऊपर मणि चमकती दिखती है, अक्सर लोग कहते हैं। पिछली बार मैं 2 दिन रहा हूँ तो ऐसा कुछ अनुभव तो हुआ नहीं है, इस बार देखते हैं अनुभव होता है। मैंने भी यही सुना है कि मणि निकलती है मतलब जिसको दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। कोशिश की हमने दिन को रात को देखने की, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास मुहूर्त देखने की, तो वो दृश्य तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसा सुना है कि दिखती है। मणि कैसी दिखती है? मतलब चमकने की तरह, जैसे चमकती है ना, वैसे सूर्य के हुए, खड़े भोलेनाथ के हुए ऐसे खड़े हैं और उनके दर्शन होते हैं। अभी केवल आधा फासला तय हुआ था, अभी मीलों सफर बाकी था। सांस फूलने लगी थी, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मणि की चमक देखने की उत्सुकता हमारी टीम के हौसले बढ़ा रही थी। सफर में अब हमारा अगला पड़ाव था भैरों घाटी, जिसकी कहानी जुड़ती है भस्मासुर से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिवशंकर। शिव से वरदान पाने के बाद भस्मासुर महादेव को ही जलाकर भस्म कर देना चाहता था। हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता, परंतु नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। हाँ? भस्मासुर से बचने के लिए शिव को कई दिनों तक पहाड़ों और गुफाओं में छुप कर रहना पड़ा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं उस दौरान भगवान शंकर इस जगह पर कुछ दिन ठहरे थे। वो गुफा अब इस झरने के पीछे किसी कोने में है जो अब नजर नहीं आती। मणि महेश की यात्रा पर जब आप निकलते हैं तो ऐसी एक जगह आपको नजर आती है जहां पर इस तरीके से ये बताया जाता है कि इस झरने के नीचे जो आपको झरना नजर आ रहा है, दरअसल इस झरने के नीचे एक बड़ी गुफा है और इसी गुफा के भीतर भगवान भोलेनाथ जो है वो छिप के कई दिनों तक बैठे रहे, क्योंकि इस पर भस्मासुर की नज़र नहीं पड़ पाई। ऊपर से झरना है और ये बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इसके भीतर एक बड़ी और लंबी सुरंग है। आगे अभी और कहानियां हैं, कई खतरनाक मोड़ है, दम फुला देने वाली चढ़ाई है। उसके बाद दिखेगी मणि महेश पर्वत की वो रहस्यमयी चमक, जिसे लोग महादेव से जोड़कर देखते हैं। आखिर कैसा होगा वो नजारा? इतनी मेहनत के बाद क्या हमारी टीम उस चमक को टीवी कैमरे में कैद कर पाएगी? जिन लोगों को इस चमत्कार पर यकीन नहीं होता, वो मानते हैं कि मणि पर्वत पर जो चमक दिखाई देती है वो सूरज की है। शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन थोड़ा पता लगाया तो हम भी चक्कर खा गए। पर्वत पर जो रोशनी दिखती है वो पूर्व दिशा से नहीं आती, यानी सूर्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच का पता पर्वत की चोटी पर जाकर ही लगेगा, इसलिए हम आगे बढ़ चले। जितना सोचा था रास्ता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगी, पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, लेकिन उस अद्भुत तस्वीर की तलाश में हम सब कुछ झेलते रहे। पुराणों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है, जिससे वहां कोई नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसा ही दावा मणि महेश पर्वत को लेकर भी होता है। कहते हैं साल के 6 महीने महादेव इसी पर्वत पर रहते हैं, इसलिए वहां चढ़ाई नामुमकिन है। लेकिन दूर से एक तेज रहस्यमय चमक जरूर दिखाई देती है, जिसे लोग भगवान शिव से जोड़कर देखते हैं। उसी अद्भुत रोशनी को देखने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग ऊपर से लौटते हुए दिखाई दिए, जिनकी बातों ने हमारी हिम्मत को तोड़ दिया। मणि के दर्शन तो नहीं हुए भाई, होते हैं पर हमें नहीं हुए मणि के दर्शन। तो फिर थोड़ी सी निराशा है? नहीं, निराशा नहीं है, हम खुश है। नहीं, मणि के दर्शन नहीं। निराशा हुई? नहीं, निराशा क्यों होनी। अच्छा। सुना तो हुआ कि मणि देखने ही लोग जाते हैं ज्यादातर। नहीं, सुना तो है पर हमें नहीं हुए।
इन बातों से थोड़ी निराशा हुई थी। हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से इन लोगों को चमक नहीं दिखाई दी। उम्मीद थी कि मौसम अच्छा हो जाए और हमें वो मणि दिख जाए। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव के करीब थे, जिसका नाम है गौरी कुंड। मणिमहेश की यात्रा का सबसे अंतिम पड़ाव है गौरी कुंड। गौरी कुंड वो जगह जहां पर एक वक्त में माँ गौरी जो है वो स्नान करा करती थी, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो ऊपर मणिमहेश में डल झील में स्नान करते हैं, जबकि माँ गौरी के लिए ये जगह बनाई गई थी और उसके बाद से इसको गौरी कुंड कहा गया है। सामने आपको जो तालाब नजर आएगा, दरअसल यही तालाब गौरी कुंड है और इसमें सिर्फ महिलाएं ही स्नान करती हैं, पुरुषों के लिए यहाँ स्नान करना वर्जित है। आप अगर देखें तो ठीक सामने यहीं से आपको भगवान कैलाश की पहली तस्वीर नज़र आती है। ये इस जगह की खूबसूरती है। ये कहा जाता है कि पहली तस्वीर अगर कैलाश पर्वत की आपको दिखती है जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो गौरी कुंड से ही दिखती है। और ये ठीक सामने इस वक्त हालांकि बादलों से घिरे हुए हैं कैलाश, लेकिन इस वक्त कैलाश की तस्वीर आपको साफ नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो पर्वत आपको नज़र आ रहा है ये कैलाश पर्वत ही है। और यहाँ से अगर मणिमहेश की बात करें तो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश है जहाँ हमें पहुँचना है। मणिमहेश नजर तो आने लगा था, लेकिन अब भी वो हमारी पहुंच से काफी दूर था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रात के अंधेरे में भी हमारी टीम दूसरे लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। रास्ता बेहद खराब है, देखिए रात के वक्त ये पथरीला रास्ता, आपका पैर मुड़ सकता है, आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। इसलिए तमाम जो लोग जो जा रहे हैं वो अपने साथ या तो टॉर्च लेके चलते हैं या फिर मोबाइल के लाइट के सहारे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इस 5 से 6 डिग्री तापमान में भी रात के वक्त आगे बढ़ रहे हैं, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अभी हमें और 2 किलोमीटर चलना है जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन इस 1.5-2 घंटे में हमें मणिमहेश पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का वक्त ही वो वक्त होता है जब वहाँ जो नागमणि है वो चमकती है, जिसे देखने के लिए ये लंबी भीड़ जो है मणिमहेश की तरफ बढ़ रही है। अंधेरे को चीरते हुए हम रात 10 बजे के बाद मणिमहेश पहुंच गए। करीबन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त हम जिस जगह पहुंचे हैं उसी को कहा जाता है मणिमहेश। और इस वक्त का समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी घड़ी में इस वक्त 10:20 हो रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं, देर रात का वक्त हो चला है, लेकिन इस वक्त भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ लगातार पहुँच रही है। और ठीक सामने आपको जो तस्वीर नज़र आएगी ये वही डल झील है, जिस डल झील के लिए कहा जाता है कि जब नागमणि की चमक इस पर पड़ती है तो ये पूरा का पूरा सरोवर जो है वो कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। और इसी झील में स्नान के लिए लोग कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर यहाँ पहुँचते हैं। इस जगह की अगर बात करें तो समुद्र तल से इसे करीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर से बताया गया है। अपने आप में बहुत ज़्यादा हाइट है और इस ज़्यादा हाइट पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, बहुत कठिन चढ़ाई है। हम सुबह चले थे, करीबन 6 से 7 बजे का वक्त रहा होगा, लेकिन पहुंचते करीबन 10 से 10:30 का वक्त हो चला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन बावजूद उसके अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, रात हो चली है और सामने कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसी कैलाश पर्वत के पीछे से चमकती है मणि, जिसको कहा जाता है कि नागमणि। और इस नागमणि की चमक को देखने के लिए ही लोग दूर दूर से इस पैदल यात्रा को करते हैं, इस मणिमहेश की यात्रा पर लोग आते हैं। वो चमक चंद सेकंड ही नजर आती है, लिहाजा मणिमहेश पहुंचने के बाद लोग रात भर जागते हैं ताकि भोर में प्रकट होने वाली उस दिव्य रोशनी को देख सके। लिहाजा रात भर भजन कीर्तन का दौर चलता है। मणिमहेश को लोग कैलाश पर्वत भी कहते हैं। लोगों ने बताया कि भोर में 4 बजे के बाद उस चमत्कारी मणि की चमक कभी भी दिख सकती है। 4 बजे निकलेगी सुबह, नहीं तो उस समय कैलाश के ऊपर थोड़ी हल्की हल्की लाइट पड़ती है ना,
उस समय निकलेगी सुबह 4 बजे। नहीं ऐसे तो नहीं, चक्कर चक्कर लगाएंगे बीच में सो जाएंगे, नहीं तो उठ पड़े लोग जयकारे लगाते हैं उठ जाते हैं। देखिए किस तरीके से राम चौपा है यहाँ पर गाई जा रही है, भगवान भोले के लिए आराधना की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस ठंड के बीच पूरी रात जाग कर जिस तरीके से ये लोग तप कर रहे हैं, इसको तप ही कहा जाता है, उस तप के बीच ठीक सामने कैलाश पर्वत से वो मणि चमकती है, वो मणि चमके और इनको दिखाई दे। इस जगह से मणि महेश यानी कैलाश पर्वत करीब 4000 फीट ऊपर है। यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो दिव्य चमक इसी जगह से दिखाई देती। क्या हमें भी वो मणि और इसकी रोशनी दिखेगी? इसी उधेड़ बुन में आधी रात गुजर गई। टेम्परेचर घटने की वजह से दिक्कत बहुत ज्यादा है। मेरे पीछे ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, इसके ठीक पीछे लेक है और लेक की वजह से भी ठंड काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन यही वो जगह है, ये कहा जाता है कि यहाँ से सीधा जो है कैलाश पर्वत दिखता है और इसी कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती हो मणि। लेकिन पहला दिन है हमारा, लेकिन अभी तक टाइम के अनुसार जो बताया गया था वो मणि तो नहीं चमक रही है, लेकिन इस ठंड के बीच इंतज़ार ज़रूर है कि हमें शायद इस ठंड में यहाँ खड़े होने का यहाँ बैठने का कुछ तो फल मिले, और जो लोग बताते हैं उस तरीके की चीज़ें दिखाई दें तो शायद हम लोग भी पता कर सकें कि आखिर उस मणि के पीछे का जो रहस्य है आखिर किस तरीके का है। कुछ देर बाद लोग जमा होने लगे। सामने पहाड़ पर अब भी अंधेरा छाया था, लोगों ने बताया अब किसी भी वक्त वहां से चमक दिख सकती है, लोग इंतजार कर रहे थे, हमारी टीम भी वहीं खड़ी थी। भोले, 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 भोले। हमारा कैमरा लगातार कैलाश पर्वत की चोटी को रिकॉर्ड कर रहा था। 3:30 बजे का वक्त, जिस इस वक्त को वो वक्त कहा जाता है जब जो मणि महेश की जो आकृति है वो बनती है, जो चमक है वो दिखती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम लोग उसी इंतज़ार में हैं, उम्मीदें सभी की हैं, सभी की एकटक कैलाश पर्वत की तरफ है, कुछ भी छोटा सा भी नज़र आए, कोई भी क्षण ऐसा नज़र आए जिससे कि वो ये कह सके कि उन्हें भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फिलहाल नज़र नहीं आया। इंतजार करते काफी वक्त गुजर गया, उजाला होने में कुछ ही समय रह गया था, शायद आज वो रोशनी नहीं दिखाई देगी। तभी पर्वत पर कुछ हलचल हुई, एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अंधेरे में उस रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था, फिर वो रहस्यमय रोशनी हवा में तैरने लगी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। तब तक सुबह हो गई, वो रोशनी अब नहीं दिख रही थी, लोग उसे महादेव का चमत्कार मानकर नमस्कार करते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अब उस छोटी चमक का दिखना नामुमकिन था। ये चमक है, इसे सूरज की रोशनी नहीं कहते, हालांकि 5:30 बजे का वक्त है और थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने वाला है, और इसी जगह पर इसी की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ राइट साइड में तो वहाँ से सूरज निकलेगा, लेकिन अगर कंपास के जरिए हर हम जानने की कोशिश करें कि कहाँ से सन निकलेगा। देखिए ईस्ट फेसिंग मोबाइल में दिखाता हूँ, देखिए ये, देखिए ये कंपास के जरिए आप देखिए तो ईस्ट की तरह, ये देखिए ईस्ट फेसिंग ये है, यानी पर्वत की थोड़ी सी राइट साइड से आपको दिखेगा कि वहाँ से सूर्योदय होना है, लेकिन जो पर्वत है कैलाश पर्वत है वो ईस्ट फेसिंग से थोड़ा सा स्लाइडली लेफ्ट है, और इसी लेफ्ट के ऊपर जो है वो मणि चमकती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसको सूरज भी एक तौर पर नहीं कहा जा सकता, और ये वजह कि लोग कहते हैं कि जो सूरज होता है वो पर्वत के ठीक ऊपर कभी नहीं निकलता, या तो सीधे हाथ की तरफ निकलेगा या फिर उल्टे हाथ की तरफ निकलेगा, लेकिन पर्वत के ठीक ऊपर नहीं होता, इसलिए ये चमक क्या है, किस तरीके की चमक है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वहां मौजूद लोग संतुष्ट थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमें जो रोशनी दिखी थी वो इंटरनेट की तस्वीर के मुताबिक नहीं थी, इंटरनेट पर मिली तस्वीर की चमक वाकई एक मणि जैसी थी, लेकिन हमें तो एक टिमटिमाते तारे जैसा कुछ दिखा था। अब इन दोनों में कौन सी तस्वीर हकीकत है और कौन सी फसाना, इसे पता करना जरूरी हो गया था।
पहले दिन हमें दावे के मुताबिक तस्वीर नहीं दिखी। मन में एक डर भी समा गया कि हम इंटरनेट के किसी फेक न्यूज का शिकार तो नहीं हो गए। लेकिन लोगों ने कहा कि पर्वत से वाकई मणि जैसी चमक दिखाई देती है। कभी कभी मौसम खराब होता है, वो चमक साफ साफ नहीं दिखती, लेकिन जब भी दिखती है वो लोग आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। इसलिए सोचा क्यों ना एक दिन और रुका जाए, और अगले दिन जो दिखा उसका हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था, और शायद उसे देखने के बाद आपके पास भी ना हो। सुबह होते ही मणिमहेश की एक एक तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगी। सामने मणिमहेश का कैलाश पर्वत, उसके नीचे एक झील और झील के चारों तरफ लोगों का मजमा। लेकिन सबकी निगाह मणिमहेश के कैलाश पर्वत पर थी, जहां रात को हल्की रोशनी नजर आई थी। रात भर जिस मणि के चमकने का इंतजार हम लोग करते रहे, वो मणि तो हमें आज आखिर नहीं दिखाई दी। उसके पीछे की वजह ये रही कि पूरी रात इस जगह पर बारिश हुई, बादल छाए रहे, कोहरा काफ़ी घना रहा। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, हालांकि पूरी तरीके से सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस समय एक रोशनी हुई है और इस रोशनी में हम आपको दर्शन कराते हैं उसी कैलाश पर्वत का, जिसे मणिमहेश का कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये ठीक सामने आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं, और इसके ठीक पीछे से निकलती है वो मणि, वो चमत्कारी मणि जिसका लोग इंतज़ार करते रहते हैं। पूरी रात इंतज़ार होता है और कोशिश यही रहती है कि उसकी जो पहली चमक है उस पर लोग ध्यान दे सके, उसको देख सके और उसी को नमस्कार कर सके। मणिमहेश पर मेले जैसा नजर आता। सब अपने अपने काम में जुटे थे, लेकिन जिस मणिमहेश पर्वत पर महादेव के रहने का दावा होता है उसकी एक बात हैरत में डालती है। मणिमहेश पर्वत भी कुछ हद तक कैलाश पर्वत जैसा दिखता है। अगर ये कोई इत्तेफाक है तो ये बेहद हैरत अंगेज है। इसी पहाड़ के ठीक नीचे झील है जिसमें लोगों की गहरी आस्था है। इसकी मान्यता भगवान शिव के साथ जुड़ती है। भगवान शिव थे, वो इस कुंड में, शिव कुंड में स्नान करने के लिए आते थे, और पार्वती माता जी नीचे गौरी कुंड में स्नान करती थी। वहाँ लेडी ही स्नान करती हैं, शिव क्लोत्री में जेंट्स भी स्नान करते हैं, और वो पानी स्नान वो करते हैं लेडीज वहाँ शिव क्लोत्री में। उसके बाद यहाँ भी स्नान कर लेती हैं लेडीज, और जेंट्स तो करते ही करते हैं। तो क्या शिव जी स्नान करने के लिए यहाँ आते थे? यहाँ आते थे जी। इस झील में डुबकी लगाए बगैर यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, जबकि इसका पानी खून जमा देने जितना ठंडा रहता है। इस झील की एक और खासियत यह है कि ये कहा गया है कि भगवान शिव शंकर इस दौरान, इस मणिमहेश की यात्रा के दौरान इसी जगह पर स्नान करते हैं, और यहाँ स्नान करने के बाद वो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। और ये इस जगह की इसीलिए महत्व काफ़ी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, आप उस पूरी झील के इर्द गिर्द अगर तस्वीरें देखें तो आपको तमाम लोग इसमें स्नान करते हुए नज़र आएंगे। पानी की अगर मैं बात करूँ तो पानी बेहद ज़्यादा ठंडा है, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप ज़्यादा देर तक इसमें हाथ और पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बर्फीला पानी है। और जहाँ तक इसके स्रोत की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये पानी अपने आप उत्पन्न होता है, ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होता है, और यही पानी आगे चलकर गौरीकुंड की तरफ पहुँचता है। यानी जो गौरीकुंड में स्नान होता है वो भी इसी पानी से ही स्नान होता है, यही पानी आगे जाके बढ़ता है। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा देर तक आप पैर इसमें रखें तो आपका पैर जम सकता है। मान्यता है कि महादेव साल में 6 महीने मणिमहेश पर वास करते हैं, और चोटी से दिखने वाली चमक महादेव के वासुकी नाग की मणि है। कहते हैं युगों पहले यहाँ महादेव के आने के निशान भी मिलते थे। कुछ पूर्वजों की बात है, पूर्वज बोलते थे पहले कि आटा फेंकते थे जैसे ना, तो नंदी के जो पैरों के निशान होते थे ना वो लगते थे उसके ऊपर, आटे के बीच में ना पता चल जाता था उसका कि आए हैं या नहीं आए हैं। अब वो पुराने जमाने की बात है, आपका जमाना तो क्या, अब किसने देखा है इस बात को। लेकिन हमारी सुई तो रात में दिखी चमक और चमत्कार के दावे के बीच उलझी हुई थी। हमने फिर आजमाया,
लेकिन रात की रोशनी और सूरज की दिशा में काफी फर्क नजर आया। जो तस्वीर हमने रात के वक्त देखी थी और हल्की सी रोशनी जो कि कैलाश पर्वत के ठीक बीच में चमकती हुई हमें दिखाई दी थी, वो रोशनी और सूरज के निकलने की बात की सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने रात में देखा वो पर्वत के बिल्कुल बीच की थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो सूरज निकला है वो कैलाश पर्वत के जो ऊपर की शिखर है उस शिखर के लेफ्ट साइड की तरफ से निकलता है। और ऐसे ही हमें बताया गया था कि जो सूरज हमेशा कैलाश पर्वत के बीच से नहीं निकलता है बल्कि उसके लेफ्ट साइड से निकलता है। फिलहाल तस्वीरें दोनों हमने अलग तरीके से देखी हैं, रात की रोशनी जो बीचों बीच में थी और बिल्कुल सेंटर में थी, और सुबह जब सूरज निकला तो वो पर्वत के लेफ्ट साइड से निकला है। तो कहीं ना कहीं दोनों रोशनियों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो हमने चमकती हुई रोशनी देखी थी वो कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ी हो। सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि अगली सुबह फिर उस दिव्य रोशनी को देखा जा सके। चमकार सारे नीली पीली ना लाल रंग की इसकी चमकार होती है और यहाँ जोत जगती है, हम देखते हैं। इस बार हमें शाम से थोड़ा बादल से ये ढका हुआ था तो कल से हमें दिखाई नहीं दिया सर। जी पहली बार आया हूँ और अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं और वेट करूँगा और मैं भोले बाबा के दर्शन करके जाऊँगा। लोगों से मिलते जुलते, कहानियों को समझते, कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हो गए। लेकिन हमारी टीम फिर उसी जगह तैनात हो गई जहां से कल वो रोशनी दिखी थी। रात गहराते ही ठंड बढ़ गई, कुछ लोग आग सेकने लगे तो कुछ कंबलों में घुस गए, लेकिन हमारी टीम बाहर मुस्तैद खड़ी रही क्योंकि 4 बजे के बाद रोशनी कभी भी दिख सकती थी। इंतजार करते करते भोर हो गई, सूरज के उगने का समय हो गया, पहाड़ों के पीछे उजाला फैलने लगा था। देर होने के बावजूद सबकी निगाहें कैलाश पर्वत की चोटी पर थी। हम भी उसी तरफ देख रहे थे, तभी कैलाश पर्वत पर कुछ हलचल हुई, फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। लोग उस रोशनी को देखकर जयकारे लगाने लगे, हरण महादेव, हरण महादेव। लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छा गए और रोशनी गायब हो गई। कुछ ने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन हमारे कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। इसी चमक को लोग महादेव का चमत्कार बताते हैं। कोई इसे भगवान शिव का मणि रूप कहता है, तो कोई उनके गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि का नाम देता है। हमने मणि महेश पर 2 दिन बिताए थे। इन 2 दिनों में वो दिव्य रोशनी दिखी भी थी, लेकिन फर्क बहुत था। पहले दिन हमें एक बेहद छोटी, एक बिंदी जितनी बड़ी चमक दिखाई दी थी, जबकि दूसरे दिन तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। मणि महेश में आस्था रखने वालों के मुताबिक ये चमत्कार है, जबकि कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताते हैं। या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है और उसको वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो तब वो चमकती है, या जैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें अपनी एक कहीं की एक आणविक क्रिया हो रही है और उसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो चमकते हैं, जैसे रेडियम है। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है, क्या कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जो ऐसे चमकता है जिसको आप वो कह रहे हैं, और रेडियो एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है।
इन सारी बातों और सारे तर्कों का नाता घटना की वैज्ञानिक व्याख्या से है। हमारा या विशेषज्ञों का मकसद आस्था को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। वो जो प्राकृतिक नजारा है सुंदरता का, वो एक अपने आप में कहें कि कुदरत का चमत्कार है, उसको हमें देखना चाहिए। वो एक विजुअल डिलाइट है, वो हम सब के लिए। अगर वो आस्था की बात है तो अगर उससे कोई एक कहें कि उसका कोई सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं है, तो ऐसी मान्यताएं अगर जारी भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती। विज्ञान के पास हर घटना को लेकर अपने तर्क होते हैं, लेकिन मणि महेश की इस चमक को लेकर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। सुबह के वक्त मौसम कैसा भी हो, आसमान का रंग कुछ भी हो, लेकिन पर्वत की चोटी से निकलने वाली वो चमक हमेशा नीले रंग की ही क्यों दिखाई देती है?